पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज ने राष्ट्रीय स्तर के नृत्य महोत्सव का आयोजन टिबेट के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुरादाबाद से पब्लिक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद की नवगठित संस्था मूसास मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज ने राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन टिमिट के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन का डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास और अल्पना रितेश गुप्ता ने किया। तदुपरांत एक के बाद एक देश भर से आई जानी मानी नृत्यांगनाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। हर प्रस्तुति इतनी मनमोहक कर देने वाली थी कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। आमंत्रित कलाकारों में मुख्य रूप से उत्तरांचल की मीनाक्षी तिवारी पाठक, दिल्ली की यशिका राणा, नोएडा की डॉक्टर मनीषा सिंगल, बिहार की सुमेधा सिंह के अतिरिक्त दिव्या बूरा, रूपिका पासी, वैशाली चौहान, प्राची धानी, डॉक्टर अंशु सक्सेना, आराध्या वंसल, समृद्धि तारुषी, यशी और प्राची की दमदार प्रस्तुति से हॉल तालियों से गूंजता रहा। विरासत नृत्य महोत्सव का विशेष आकर्षण रहा दिल्ली की रेणुका गुप्ता, अलीगढ़ की पूनम बंसल, सहारनपुर की रंजना नेव, नोएडा की कमला सिंह जीनत और प्रख्यात कावित्री सोन रूपा को कला विरासत सम्मान से नवाजा गया। विरासत नृत्य महोत्सव का संयोजन किया महानगर के भारत विख्यात नाट्य निदेशक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल और अलीगढ़ की आस्था शर्मा ने। कार्यक्रम में दीपक बाबू ने अध्यक्षता की एवं राजू टंडन, गौरव गोयल, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर भरत भूषण अग्रवाल, सरिता लाल, रितु नारंग, ममता गर्ग, उमाकांत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, राजेश सिंघानिया, अजय बिश्नोई, सुबोध भारद्वाज आदि का विशेष सहयोग रहा। सभी आमंत्रित कलाकारों को सम्मानित किया गया। विरासत के नाम से, और इसमें मुरादाबाद के नहीं बल्कि बाहर के बहुत से कलाकार, बहुत उमदा कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने आए हैं। इसका कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारे जो बच्चे आएंगे, हमारा जो बच्चों का बचपन रहेगा, जो इधर उधर भटक रहा है, वो इन कलाकारों को देख करके अपने अंदर वो प्रतिभा जो है जागृत करें और निरंतर आगे बढ़े।